इतनी अच्छी पार्टी नीतीश जी की है, हमारे नरेंद्र बाबू का है, वैसे कुशवाहा जी का है, वैसा कोई बिहार में कोई पार्टी नहीं है। मुझे इस पार्टी ने एक्सेप्ट किया कि बिहार की आज एक पुकार नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा पिया। राजीव रंजन, जिन्होंने कल तक नीतीश कुमार का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, अब एक बार फिर से जेडीयू में शामिल हो गए हैं। जी हां, बता दें कि बीजेपी में वे प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर थे, जिससे उन्होंने इस्तीफा दिया है और अब एक बार फिर से वो जेडीयू में शामिल हो गए हैं। उन्होंने सदस्यता ग्रहण की, इस दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उन्हें सदस्यता दिलवाई और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मैं बता सकता हूँ कि पार्टी के तरफ से आप सबका अभिनंदन स्वागत है, क्योंकि मैं अब इस पार्टी का मेंबर बन गया हूँ। ये सही है कि मैं जब से वो संभाला पॉलिटिक्स में, तब से मैं इसी पार्टी में था, यहीं से पॉलिटिक्स शुरू किया और उतना ही नहीं है, एमएलए भी एक बार हुआ तो सिर्फ इसी पार्टी से हुआ। मैं इसका संविधान हूँ, मैंने गलती की है, ये राजनीतिक गलती थी जिसके कारण मैं दूसरी जगह चला गया था और वहाँ की स्थिति के बारे में बात करने बहुत बार बताऊंगा। लेकिन जितनी अच्छी पार्टी नीतीश जी की है, हमारे नरेंद्र बाबू का है, वैसे कुशवाहा जी का है, वैसा कोई बिहार में कोई पार्टी नहीं है जो हर वर्ग के लिए लगातार काम करती है और चाहती है कि देश के साथ साथ राज्य बहुत आगे बढ़े, यहाँ के लोग बहुत आगे बढ़े। मैं इतना ही समझता हूँ। मैं कुछ पॉइंट लिख के लाया हूँ, इसलिए कि अगर मैं एक्सट्रीमो बोलूंगा तो मैं भारतीय बीजेपी के खिलाफ बोलूंगा, वो भी इस आज नहीं करना चाहता। देखिए, बहुत खुशी लग रही है कि कम से कम मुझे इस पार्टी ने एक्सेप्ट किया। 7 साल के बाद मैं इसमें आया हूं और ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर आ गया। देखिए, 2-3 मसले मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं हृदय से आभारी हूं यहां के जितने नेता मौजूद हैं, उनका, मुख्यमंत्री जी का, कि मुझे एक्सेप्ट किया और मैं पूरे दम खम के साथ इस पार्टी के लिए काम करूंगा, कार्यकर्ता की तरह काम करूंगा, लीडर की तरह काम नहीं करूंगा। बिहार के विकास में जो मुख्यमंत्री जी की नीति है, धारणा है, वह पूरा जनता दल यू का जितने कार्य करता है, जितने लोग हैं, सब तन मन धन से काम करते हैं। यही कारण है कि आज उनकी हर नीतियां नीचे धरातल को देखती है, उसको और जोर से काम करने की जरूरत है ताकि कोई दिक्कत नहीं हो और हम सब लोग एक ना एक साथ काम करेंगे। अच्छा, देख रहे होंगे कि तरह तरह की अफवाहें आती है कि ये काम कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये काम कर रही है, लेकिन गांव, गरीब, महिला, किसान, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े के लिए समाज का कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए नीतीश जी ने काम नहीं किया, कोई वर्ग नहीं जिसके लिए काम नहीं किया। आप समझ लीजिए, जो राज्य नीतीश जी से पहले फर्स्ट पे था वो आज फर्स्ट पे, नीचे से सीधे ऊपर चला। यही एक राज्य है जिसमें 15-16% जीडीपी ग्रोथ हुआ है, कोई दूसरा राज्य नहीं है पूरे देश में जो इतना ग्रोथ किया। आप समझ लीजिए कि जब नीतीश जी आए थे उस वक्त बीजेपी की स्थिति पूरे राज्य में कैसी थी, अब कोई ऐसा घर नहीं जहां 24 घंटा बिजली नहीं। आज जब आए तो तुरंत उन्होंने देखा कि महिलाओं का उत्थान होना चाहिए, महिलाओं का विकास होना चाहिए। 50% रिजर्वेशन उन्होंने पंचायत चुनाव के 50% और बिहार पहला राज्य जिसने 50% रिजर्वेशन किया। आप एक मैं भी देखा था, आपको बता दूं, 2005 में जब नीतीश जी आए थे तो स्टैटिस्टिक्स करती है उसके अनुसार 12.5% छात्राएं लड़कियां स्कूल जाती। नीतीश जी की इच्छा थी कि हर लड़की स्कूल जाए। कई क्रांतिकारी योजनाएं बनाई, चाहे वह साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, छात्रवृत्ति योजना हो, कई योजनाएं बनाई। और आज पिछले कुछ सालों से 100%
लड़कियां छात्राएं इसको 100% 99% यही कहा। अच्छा उतना ही दो तीन चीज बता दीजिए। महिलाएं के लिए नीति जी ने गजब काम किया। आप शराबबंदी का केस मैं अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा इस वक्त बोलना ठीक नहीं है, जो बाकी रहता बाकी कर ही है। लेकिन जीविका चलाए इसके बाकी हमारे साथ लगे हुए हैं श्रवण रावत, आप समझ सकते हैं कि आज 1 करोड़ महिलाएं उस पर आश्रित है और अपना पैसा खुद कमा रही है। ये बहुत बड़ी बात है। नीतीश जी के कारण पूरा स्टेट हर फील्ड में बहुत आगे बढ़ा हो। समाज का कोई अंग नहीं है, कोई भाग नहीं है जिसका उत्थान नहीं हुआ। हम इतना ही कह रहे हैं कि जब इस समय का मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाना है, मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार के बारे में कि बिहार की अब एक पुकार नीतीश कुमार। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।